इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 4 चैप्टर 4.6 पापा पनावोज स्पेशल क्रिसमस। पापा पनावोज स्पेशल क्रिसमस। इट वॉज क्रिसमस ईव एंड ऑल्दो इट वॉज स्टिल आफ्टरनून लाइट्स हैड बिगिन टू अपेयर इन द शॉप्स एंड हाउसेज ऑफ लिटिल रशियन विलेज फॉर द शॉर्ट विंटर डे वॉज नियरली ओवर। तो इट वॉज क्रिसमस ईवी क्रिसमस का इवनिंग था जो इट वॉज स्टिल आफ्टरनून आफ्टरनून था फिर भी लाइट्स शॉप्स में जल रहे थे हाउसेस एंड लिटिल जो घर थे रशियन विलेज में उनमें वहाँ पर भी रोशनियाँ जल रही थी। फॉर द शॉर्ट विंटर डे वॉज नियरली ओवर एक्साइटेड चिल्ड्रन स्कर्रीड indoors and now only muffled sounds of chatter and laughter except from closed shutters. So बंद दरवाजों से के पीछे से एक बहुत उत्सुक चिल्ड्रन बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। स्कर्रीड मतलब moved hurried with short steps धीरे धीरे चल रहे थे और then now only muffled sounds means sounds that are not loud because they have been obstructed in some way means धीरे धीरे ऐसे खुसफुसा रहे थे ठीक है ऑफ चैटर बातचीत की और लाफ्टर की आवाज़ आ रही थी। ओल्ड पापा पनावो द विलेज शो मेकर स्टेप्ड आउट ए हिज शॉप टू टेक वन लास्ट लुक अराउंड। तो जो ओल्ड पापा पनाव जो थे वो शू मेकर थे जो जूते बनाते थे तो वो अपने शॉप से बाहर आए उन्होंने एक उन्होंने देखा बाहर द साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस द ब्राइट लाइट्स एंड द फेंट बट डिलीशियस स्मेल्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग रिमाइंडेड हिम ऑफ पास्ट क्रिसमस टाइम्स व्हेन हिज वाइफ हैड स्टिल बीन अलाइव एंड हिज ओन चिल्ड्रन लिटिल नाउ दे हैड गॉन। तो उन्होंने बाहर देखा कि वहाँ तो बहुत खुशियाँ है ब्राइट लाइट्स है एक बहुत ही धीमी सी डिलीशियस खुशबू है क्रिसमस ईव पे जो बनाते हैं उसकी खुशबू है तो इन सब से उसको अपनी वाइफ और बच्चे की याद आ गई जो अब नहीं थे उसके साथ। हिज यूजुअली चेयरफुल फेस विथ द लिटिल लाफ्टर रिंकल्स बिहाइंड द राउंड स्टील स्पेक्टिकल्स लुक्ड सैड नाउ। जो उसका खुशहाली जो चेहरा था और जो फेस पे एक स्माइल थी वो अब उसके राउंड फेस के फेस पे जो स्पेक्टिकल्स थे राउंड और रिंकल्स के पीछे छुप गया था अब वो एक उदासीन चेहरा दिखता था। बट ही वेंट बैक इंडोर्स विथ अ फर्म स्टेप पुट अप द शटर्स एंड सेट अ पॉट ऑफ कॉफ़ी टू हीट ऑन द चारकोल स्टोव देन विथ अ साइन ही सेटल इन हिज बिग आर्म चेयर। तो फिर वो अपने स्टेप से धीरे धीरे जाता है अपने घर और फिर एक कॉफ़ी बनाता है चारकोल स्टोव पे और एक अपने बिग आर्म चेयर पे जाके बैठ जाता है। पापा पनाव डिड नॉट ऑफन रीड बट टुनाइट ही पुल डाउन द बिग ओल्ड फैमिली बाइबल एंड स्लोली ट्रेसिंग द लाइंस विद वन फोर फिंगर He read again the Christmas story. तो जो पापा पहनाव थे वो उनको वो पढ़ते तो नहीं थे लेकिन उन्होंने उस दिन उस नाइट बाइबल निकाली अपनी ओल्ड फैमिली बाइबल निकाली उसमें से वो क्रिसमस स्टोरी पढ़ने लगे। He read how Mary and Joseph tried by their journey to Bethlehem found no room for them at the inn. So that Mary's little baby was born in the cow shed. तो उन्होंने पढ़ा कि किस तरह जो मैरी और जोसेफ है वो अपनी जर्नी पार करके बेथलहम में पहुँचते हैं और वहाँ पर उनको कहीं नहीं जगह मिलती है तो मैरी जो है वो एक काउ शेड मतलब गाय का गौशाला वहाँ पर उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया। ओ डियर एक्सक्लेम्ड पापा पनाव इफ ओनली दे हैड कम देयर आई वुड हैव गिवन देम माय बेड एंड आई कुड हैव कवर्ड द बेबी विथ माय पैच वर्क
quilt to keep him warm. तो वो पढ़ते बराबर उनको इतना दुख होता है, वो बोलते ओ डियर ऐसे चिल्लाते हैं, बोलते अगर वो मेरे पास आते तो मैं उनको क्या, मैं मेरा बेड देता और मेरी पैच वर्क, मेरी जो वार्म बेड स्प्रेड, पैच वर्क मीन्स अ वार्म बेड स्प्रेड मेड विद डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लोथ, जो रजाई होती है जिसे कहते हैं, एक रजाई जैसे होती है, तो वो उसको वार्म करने के लिए देता, गर्म करने के लिए देता. ही रीड ऑन अबाउट द वाइज मैन हु हैड कम टू सी द बेबी जीसस ब्रिंगिंग हिम स्प्लेंडेड गिफ्ट्स. तो उन्होंने फिर पढ़ते हैं कि कैसे बेबी जीसस को देखने एक वाइज मैन आते हैं और उसके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं. पापा प्रोनाउंस फेस फेल, आई हैव नो गिफ्ट दैट आई कुड गिव हिम, ही थॉट सैडली. फिर वो सोचने लगते हैं, उनका मुंह लटक जाता है कि मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं होता अगर मैं वो, तो ऐसे वो सोचते सैडली. देन हिज फेस ब्राइटन, ही पुट डाउन द बाइबल, गॉट अप एंड स्ट्रेच हिज लॉन्ग आर्म्स टू द शेल्फ हाई अप इन हिज लिटिल रूम. ही टुक डाउन अ स्मॉल डस्टी बॉक्स एंड ओपन्ड इट, इनसाइड वॉज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज. तो वो फिर भी उनका जो फेस एक ब्राइटन हो जाता है, चमक आ जाती है. फिर वो क्या करते हैं, अपने एक कबर्ड के पास जाते हैं, अपने हाथों को ऊँचा, वो शेल्फ के ऊपर एक चीज़ रखी होती है, बॉक्स रखा होता है, तो फिर उसमें से एक छोटे सा बॉक्स निकालता है जिसपे धूल भरी होती है, और फिर उस बॉक्स में रखा होता है छोटे छोटे लेदर के शूज. पापा पनाओ स्माइल विद सेटिस्फेक्शन, यस दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेंबर्ड, द बेस्ट शूज ही हैड एवर मेड. तो पापा पनाओ के फेस पे एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, वो एक स्माइल देते हैं और उनको याद आता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे शूज़ थे जिन्होंने जिसको उन्होंने बनाए थे. आई शुड गिव हिम दोज, ही डिसाइडेड एज ही जेंटली पुट देम अवे एंड सेट डाउन अगेन. तो फिर मैं ये दे सकता था उनको, तो फिर वो फिर से उनको रख देते हैं और फिर बैठ जाते हैं. ही वॉज फीलिंग टायर्ड नाउ एंड द फर्दर ही रीड द स्लीपर ही बिकेम sleeper. The prince began to dance before his eyes so that he closed them just for a minute. In no time at all, Papa Panawa was fast asleep. वो बहुत थके हुए feel कर रहे थे और further वो इस चीज़ को पढ़ते सोने से पहले पढ़ रहे थे. तो द प्रिंट बिगेन टू डांस, तो बिफोर, और उनकी आंखें ऐसे फड़फड़ा रही थी कि उन जो भी लिखा होता वो ऐसा ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें अभी बंद हो जाएगी नींद के कारण. तो फिर वो जल्दी सो गए. एंड एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड दैट समवन वाज इन हिज रूम एंड ही न्यू एट वंस एज वन डज इन ड्रीम हु द पर्सन वॉज, इट वॉज जीजस. फिर वो जल्दी सो गए और उनको फिर एक सपना आया, सपने में वो देखते कि कोई उनके रूम में है और वो जानते थे वो कौन था, कि वो पर्सन कौन था, जीजस. यू हैव बीन विशिंग दैट यू कुड सी मी पापानोवा, ही सेड काइंडली. तो वो बोलते हैं पापानोवा के कि तुम विश कर रहे थे कि काश तुम मुझे देख पाते. Then look for me tomorrow. I will be Christmas Day and I will visit you. But look carefully for I shall not tell you who I am. तो मैं ज़रूर तुमको मिलूँगा क्योंकि कल Christmas Day है, मैं ज़रूर तुमसे मिलूँगा, पर तुम्हें carefully देखना होगा कि मैं कौन हूँ. When at last Papa Panova awoke, the bells were ringing out and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, Papa, said Papa Panova, it's Christmas Day. तो फिर वो उठ जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि दरवाजे से एक लाइट आ रही है, बेल्स बज रहे हैं
और फिर वो कहते हैं ब्लेस माई सोल, और एक और फिर क्रिसमस का दिन आ जाता है। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रादर स्टिफ। वो अपने आप को अंगड़ाई लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और अंगड़ाई लेते हैं। देन हिज फेस फिल्ड विद हैप्पीनेस एज ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम। तो वो अपने आप को बहुत खुश पाते हैं, जैसे उनको ड्रीम आता है वैसे। दिस वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस आफ्टर ऑल, फॉर जीजस वॉज कमिंग टू विजिट हिम। ये बहुत ही अच्छा क्रिसमस होने वाला है क्योंकि जीजस आने वाले हैं टू विजिट हिम। हाउ वुड ही लुक, कैसे दिखेंगे वो। हाउ ही वुड ही बी अ लिटिल बेबी एज एट दैट फर्स्ट क्रिसमस। वुड ही बी अ ग्रोन मैन, अ कार्पेंटर और द ग्रेट किंग। ऐसे उनके मन में विचार आता है, क्या वो बेबी होगा कोई, या फिर एक कारपेंटर होगा, बड़ा आदमी होगा, या कोई ग्रेट किंग होगा। दैट ही इज गॉड्स सन, ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू सो दैट ही रिकॉग्नाइज हिम हाउएवर ही केम। तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, तो बहुत केयरफुली देखना होगा कि वो कौन से रूप में आते हैं। पापा पनोव पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफ़ी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट, टुक डाउन द शटर्स एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। पापा पनोव एक स्पेशल कॉफ़ी बनाते हैं ऑन क्रिसमस ब्रेकफास्ट पे, और खिड़कियाँ खोल के खिड़की के बाहर देखते हैं। द स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड, नो वन वॉज टिरिंग येट। तो जो स्ट्रीट था वो खाली था, अभी तो कोई नहीं आया था। नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर, कोई रोड स्वीपर भी नहीं आया था। ही लुक्ड एज मिजरेबल एंड डर्टी एज एवर, एंड वेल ही माइट, हूएवर वांटेड टू वर्क ऑन क्रिसमस डे एंड इन द रॉ कोल्ड एंड बिटर फ्रीजिंग मिस्ट ऑफ सच अ मॉर्निंग। तो फिर वो सोचता है कि हाँ, कौन इस क्रिसमस डे पे कौन काम करेगा, कौन इतनी जो कड़कड़ाती ठंड में कौन इतने मॉर्निंग में आएगा। पापा पनोव ओपन द शॉप डोर लेटिंग इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर। कम इन, ही शाउटेड अक्रॉस द स्ट्रीट चीयरली, कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफ़ी टू कीप आउट द कोल्ड। तो पापा नोव जो है शॉप की डोर जो है खोलते हैं, और थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर को बोलते हैं, कोल्ड एयर को बोलते हैं कि अंदर आ जाओ और एक हॉट कॉफ़ी पियो, क्योंकि इससे सर्दी ठंड दूर भाग जाएगी। द कीपर लुक्ड अप स्केर्सली एबल टू बिलीव हिज ईयर्स। द स्वीपर ऊपर देखता है और फिर वो देखता है कि जो भी वो स्केर्सली एबल टू बिलीव हिज ईयर्स, मतलब फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव व्हाट ही हैज़ हर्ड। जो कुछ उसने सुना है उस पर डिफ़िकल्ट उसको डिफ़िकल्ट हुआ कि बिलीव नहीं हुआ कि वो क्या सुन रहा है। He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. तो वो अपनी जो झाड़ू है वो साइड में रख देता है और रूम में आ जाता है अपने आप को वार्म करने के लिए। His old clothes steamed gently in the heat of the stove and he clasped both red hands round the comforting warm mug as he drank. तो फिर क्या करता है स्वीपर, फिर अपने आप को थोड़ा स्टीम देता है, इतने स्टोव के पास बैठ के अपने हाथों को रगड़ता है, दोनों हाथ को, और एक मग कॉफ़ी पीता है। पापा पनोव वॉच हिम विद सेटिस्फैक्शन, बट एवरी नाउ एंड देन हिज आईज स्ट्रेड टू द विंडो, इट वुड नेवर टू डू मिस हिज स्पेशल विजिटर। तो वो उसको उसके तरफ बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ देखता है,
लेकिन उसकी आंखें सिर्फ विंडो पर रहती क्योंकि अभी तो कोई विजिटर आया नहीं था। एक्सपेक्टिंग समवन द स्वीपर आस्क्ड एट लास्ट, सो पापा नोवा टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम। तो फिर किसी को एक्सपेक्ट, वो बोलता है कि आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आएगा ऐसा स्वीपर, पापा पनोव को पूछता है तो अपने जो ड्रीम है उसके बारे में बताइए। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर सेड, यू हैव गिवन मी अ बिट ऑफ क्रिसमस चीयर आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव, आई वुड से यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू, एंड ही एक्चुअली स्माइल। तो वो बोलता है हाँ आपकी जो विश है वो पूरी होगी, आप कोई आएगा ऐसा वो स्वीपर उसे बोलता है, आपने जो मुझे इतना जो चीज़ें अच्छी चीज़ें दी वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर आई वुड से आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी जो ड्रीम है वो सच हो। फिर वो स्माइल देता है। वैन ही हैड गॉन, पापा पनोव पुट ऑन कैबेज सूप फॉर हिज डिनर, देन वेंट टू द डोर अगेन स्कैनिंग द स्ट्रीट, ही सॉ नो वन बट ही वॉज मिस्टेकन, समवन वॉज कमिंग। तो फिर वो क्या फिर वो करता है कि उस वो चला जाता है स्वीपर, उसके बाद चला जाता है। फिर वो अपना कैबेज सूप डिनर के लिए बनाने लगते हैं पापा पनोवा। तो फिर वो देखते फिर से वो स्ट्रीट को देख रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कोई आ रहा है। द गर्ल वॉक सो स्लोली एंड क्वाइटली हगिंग द वॉल्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस दैट इट वॉज अ वाइल बिफोर ही नोटिस हर। तो एक गर्ल स्लोली स्लोली चलती आ रही थी, दीवारों को चिपक के, शॉप्स की और हाउसेस की दीवारों को चिपक के आ रही थी, तो उसने उसको नोटिस इसके पहले उसको नोटिस कर लिया। ही शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड शी वॉज क्राइंग समथिंग कैरिंग समथिंग। तो वो बहुत ही टायर्ड लग रही थी और उसके पास कुछ था। एज शी ड्रू नियरर द ही कुड सी दैट इट वॉज अ बेबी रैप्ड इन अ थिन शॉल, देयर वॉज सच सैडनेस इन हर फेस एंड इन द pinched little face of the baby that Papa Panova's heart went out of them। तो उसने देखा कि उसके पास तो एक बेबी है जो एक थिन शॉल में लपेटा हुआ है, उसका वो लेडी का फेस भी बहुत सैड दिख रहा था, उसका बेबी का भी छोटा सा फेस दिख रहा था। और फिर वो सब देख के पापा पनाव का हार्ट जो है वो दिल गदगद हो गया, मतलब बहुत उनको भी बहुत फील हुआ इस बारे में। वॉन्ट यू कम इन ही कॉल्ड स्टेपिंग आउटसाइड टू मीट देम, यू बोथ नीड अ वार्म बाय द फायर एंड अ रेस्ट। तो वो उसको बोलता है कि तुम अंदर, ही कॉल्ड स्टेपिंग आउटसाइड टू मीट देम, तो वो उसको बोलता है कि उसको मिलने के लिए वो जाता है और उसको बोलता है कि तुम फायर के पास गर्माहट ले लो और कुछ रेस्ट करो कुछ दे। द यंग मदर लेट हिम शेफर्ड हर इंडोर्स एंड टू द कंफर्ट ऑफ द वार्म आर्म चेयर शी गेव अ बिग सिग ऑफ रिलीफ। तो वो क्या करती है, फिर वो अंदर आती है और आम चेयर पे बैठ जाती है आराम से, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है इस चीज़ से। आई विल वार्म सम मिल्क फॉर द बेबी बाबा, पापा पनोव सेड, आई हैव हैड चिल्ड्रन ऑफ माय ओन, आई कैन फीड हर फॉर यू। He took the milk from the store and carefully fed the baby from a spoon, warming her tiny feet by the stove at the same time. तो वो बेबी के लिए मिल्क गर्म करने जाता है और वो कहता है कि मैं इस बेबी को फीड करता हूँ, पिलाता हूँ दूध। तो वो उसको मिल्क भी पिलाता है और उसके जो छोटे छोटे पैर जो होते हैं बेबी के वो स्टोव की तरफ रखता है ताकि उसको गर्माहट मिले।
She needs shoes, the cobbler said. तो उसको उसको जूतों की ज़रूरत है. But the girl replied, I can't afford shoes. I have got no husband to bring home money. I am on my way to the next village to get work. तो वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड भी नहीं है ताकि वो कमा के लाए और मैं उससे शूज़ ले सकूं. एंड वो उनके वो दूसरे विलेज में जाने के लिए, काम करने के लिए वो जा रही होती है. अ सडन थॉट फ्लैश थ्रू पापा पनोवस माइंड. ही रिमेंबर द लिटिल शूज ही हैड लुक एट लास्ट नाइट, बट ही हैड बीन keeping those for Jesus. He looked again at the cold little feet and made up his mind. तो फिर उसको सडनली याद आता है कि उसके पास तो लिटिल शूज़ है पर वो तो जीजस के लिए उसने रखा था, पर वो जो लिटिल फीट थे बच्चे के जो वो कोल्ड थे. तो फिर वो अपना माइंड बनाता है कि उसको दे देगा. ट्राई दिस ऑन हर ही सेड, हैंडलिंग द बेबी एंड द शूज़ टू द मदर. फिर वो बोलता है मदर को कि इन शूज़ को ट्राई करो. तो वो बेबी को उसकी मदर को दे देता है और शूज़ भी दे देता है. द ब्यूटिफुल लिटिल शूज़ वर अ परफेक्ट फिट. द गर्ल स्माइल हैप्पीली एंड द बेबी गगल्ड विथ प्लेजर. तो फिर जो शूज़ जो थे वो परफेक्टली फिट आ जाते और जो बेबी है वो बहुत गर्गल करती, मेड कंटेंटेड और हैप्पी साउंड. मतलब बस छोटे बच्चे कैसे हैप्पी साउंड, जब वो खुश होते हैं तो वैसे वो स्माइल भी करती है और खुशी से साउंड भी उसके मुंह से निकालती है, गर्गल करती है. यू हैव बीन सो काइंड टू अस, द लिटिल गर्ल सेड व्हेन शी गॉट अप विथ हर बेबी टू गो. मे ऑल योर क्रिसमस विशेस कम ट्रू. तो आप वो कहती है कि आप बहुत ही हमारे साथ बहुत ही काइंड रहे हो, अच्छे रहे हो. तो वह अपने बेबी के साथ उठती है और जाती है और उसके पहले उसको विश करती है कि तुम्हारे इस क्रिसमस में तुम्हारे सारे विशेस ट्रू हो, मतलब सच साबित हो. बट पापा पनाव वॉज बिगनिंग टू वंडर इफ ही हिज वेरी स्पेशल क्रिसमस विश वुड कम ट्रू. परहैप्स ही हैड missed his visitor. He looked. तो पापा पर ना जो उसके जो स्पेशल गिफ्ट है, स्पेशल क्रिसमस विश जो थी वो पूरी होने वाली थी, लेकिन वो फिर भी वो जो विजिटर है उसको मिस कर रहा था, वो देख रहा होता है. एंशियसली अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, बहुत उत्सुकता से स्ट्रीट्स की तरफ देख रहा होता है. देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल बट दे वर ऑल फेसेस दैट ही रिकॉग्नाइज. तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे पर वो सबको जानता था, ऐसा कोई फेस नहीं था जो वो नहीं जानता था. देर वर नेबर्स गोइंग टू कॉल ऑन देअर फैमिलीज. तो वहाँ पर उसके पड़ोसी भी थे, उनकी फैमिली भी थी. दे नॉडेड एंड स्माइल्ड एंड विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस. वो सिर झुकाते हैं, उनको स्माइल से हैप्पी क्रिसमस कहते हैं. और बैगर्स एंड पापा पनाव हरेड इंडोर्स टू फेच देम हॉट सूप एंड अ जेनरस हंक ऑफ ब्रेड. हरिंग आउट अगेन इन केस ही मिस द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर. तो वो फिर जल्दी जल्दी सबको अंदर बुलाता है और हॉट सूप देता है, फिर ब्रेड देता है. अ लार्ज पीस हंक ऑफ ब्रेड, मीन लार्ज पीस ऑफ ब्रेड देता है. और फिर से वो देखता है कि अरे कुछ तो वो कोई स्ट्रेंजर, इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर को मिस कर रहा है. ऑल टू सून द विंटर डस्क फेल व्हेन पापा पनाव नेक्स्ट वेंट टू द डोर एंड स्ट्रेन्ड हिज आईज. ही कुड नो लॉन्गर मेक आउट द पासर्स बाय. तो फिर जल्दी ही विंटर ये हो जाती है, डस्क हो, जल्दी ही शाम हो जाती है. विंटर के दिन होते हैं ना, इसलिए जल्दी ही रात हो जाती है. तो फिर व्हेन पापा नोवा नेक्स्ट वेंट टू द डोर, जब डोर के पास जाते
वो अपनी आंखों से देखते हैं, नो लॉन्गर मेक आउट द पास, कोई भी वहाँ से पास नहीं हो रहा होता है। मोस्ट वर होम एंड इंडोर्स बाय नाउ एनीवे, ही वॉक स्लोली बैक इनटू हिज रूम एट लास्ट, पुट अप द शटर्स एंड सेट डाउन वियरली इन हिज आर्म चेयर। तो सब लोग अपने घर भी चले गए होते हैं, फिर वो धीरे धीरे सब स्लोली वापस आता है अपने रूम में और फिर दरवाज़ा बंद करता है, फिर वो अपने आर्म चेयर पर बैठ जाता है। सो इट हैड बीन जस्ट अ ड्रीम आफ्टर ऑल, जीसस हैड नॉट कम, देन ऑल एट वंस ही न्यू दैट ही वॉज नो लॉन्गर अलोन इन द रूम। तो फिर वो सोचता है, अरे वो तो सिर्फ अब इतना वेट करने के बाद तो कोई दिखता ही नहीं उसे, तो वो सोचता है ये तो ड्रीम था, जीसस नहीं आए। तो फिर अचानक उसको लगता है कि ही वॉज नो लॉन्गर अलोन इन द रूम, वो रूम में अकेला नहीं था। दिस वॉज नॉट अ ड्रीम फॉर ही वॉज वाइड अवेक, तो वो देखता है ये तो ड्रीम नहीं है, वो जागा हुआ था। एट फर्स्ट ही सीम टू सी बिफोर हिज आइज द लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ पीपल हु हैड कम टू हिम दैट डे। तो फिर वो देखता है, अरे उसकी आँखों सामने तस्वीर आ जाती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास उस दिन। तो ही सॉ अगेन द ओल्ड रोड स्वीपर, द यंग मदर एंड हर बेबी एंड द बेगर्स ही हैड फेड। तो फिर वो सोचता है वो कौन कौन से आए थे, फिर वो कौन आया था, एक रोड स्वीपर भी आया था उसके पास, फिर एक यंग मदर आई थी, फिर एक बेबी थी उसके पास, फिर एक बेगर आया था, भिखारी वो आया था, उसने उसको खिलाया पिलाया। एज दे पास ईच विस्पर, डिडंट यू सी मी पापा नोवा। तो फिर जैसे ही वो पास होते तो वो एक उसको आवाज़ आती कि तुमने मुझे नहीं देखा पापा पनोवा। Who are you? He called out, bewildered. Confusedly, वो बोलता है, कौन हो तुम? Who are you? Then other voice answered him. It was the voice from his dream, the voice of Jesus. फिर और भी आवाज़ें आती है, उसको आंसर करती है, तो वो बोलते हैं कि ये voice of Jesus की थी। I was hungry and you fed me, he said. I was naked and you clothed me. I was cold and you warmed me. I came to you today in every one of those you help and welcome. तो फिर एक एक आवाज़ आती उसको, बहुत सारी आवाज़ आती। पहले तो बोलते कि जो मैं हंगरी था तो मतलब भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया। फिर दूसरी आवाज़ आती है, बोलते जब मेरे पास कपड़े थे तुमने मुझे क्लोथ्स दिए। फिर जब ठंडी थी तो तुमने मुझे गर्माहट दी। आई केम टू यू टूडे इन एवरी ऑफ दोज यू हेल्प एंड वेलकम। तो मैं उस रूप में आया था जिसमें तुमने सबको हेल्प की। कितना सुंदर कहानी है ये, कैसे जीजस अपने उसके ड्रीम में आके कितने अलग अलग रूप में आके उसको दर्शन देते हैं। आइए पढ़ते आगे। देन ऑल वॉज क्वाइट एंड स्टिल, ओनली द साउंड ऑफ बिग क्लॉक टिकिंग कुड बी हर्ड। तो सब कुछ शांत हो जाता है, रुक जाता है, सिर्फ एक क्लॉक की टिकिंग आवाज़ आती है। अ ग्रेट पीस एंड हैप्पीनेस सीम टू फिल द रूम ओवर फ्लोइंग पापा पनावाज हार्ट अंटिल ही वॉन्टेड टू बर्स्ट आउट सिंगिंग एंड लाफिंग एंड डांसिंग विथ यू विथ जॉय। So he did come after all, was all that he said. फिर एक बहुत शांति छा जाती है और हैप्पीनेस का माहौल हो जाता है। उसमें पापा पनाव का जो दिल है वो गाने लगता है, डांस करने लगता है विथ जॉय। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल, तो उसने वैसा किया। सो ये थी ब्यूटीफुल सी कहानी, लेसन, पापा पनाव स्पेशल क्रिसमस, कैसे वो अब उसके जो पापा पनाव की जो विश थी वो कैसे पूरी करते हैं जीजस, हाउ ब्यूटीफुली। बस आपको रिकॉग्नाइज करना रहता है कि भगवान किसी भी रूप में आके हमें दर्शन देते हैं।
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू।